बिकेट एक्सचेंज के माध्यम से टॉन कॉइन को लिटरली बाय करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिटकॉइन एक्सचेंज के माध्यम से आप किस प्रकार से टॉन कॉइन को बाय करेंगे, लिमिट ऑप्शन के माध्यम से, मार्केट ऑप्शन के माध्यम से, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, प्राइस को आप किस प्रकार से डालेंगे, ऑर्डर बुक को आप किस प्रकार से यूज करेंगे एंड अगर आपका प्राइस नहीं आता है तो आप उस कंडीशन में किस प्रकार से अपने ऑर्डर को एडिट करेंगे या कैंसिल करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप है, आपको बिटकॉइन एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको काफी सारे ऊपर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेड में भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्पॉट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आपका यहाँ पर जो भी कॉइन सेलेक्ट है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफी सारे कॉइन्स दिखाई देंगे एंड काफी सारे ऑप्शन होंगे, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर टॉन सर्च करना है, जैसे ही आप टॉन सर्च करेंगे और अगर आपका यूएसडीटी ऑप्शन सेलेक्ट हुआ तो आपको यहाँ पर यूएसडीटी पेयर में टॉन कॉइन दिखाई देगा, बट अगर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट हुआ तो अदर पेयर भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि आप जो कॉइन खरीद रहे हैं उसके बदले क्या देना चाहते हैं। सो आपको यहाँ टॉन कॉइन को यूएसडीटी वाले पेयर में सेलेक्ट करना है और अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं बल्कि यूएसडीसी रखा हुआ है तो सेम आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जस्ट मैं यहाँ यूएसडीटी वाले पेयर को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे वॉलेट में यूएसडीटी है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर स्पॉट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है क्योंकि स्पॉट का मतलब होता है सीएनसी कैश एंड कैरी, यानी कि जो भी लाइव रेट चल रहा है या तो आप उस पे खरीदेंगे या फिर खुद का प्राइस बता के खरीदेंगे, लेकिन आप इस कॉइन को कभी भी बेच सकते हैं और आप इसको किसी भी दूसरे एक्सचेंज पर या फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर भी भेज सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बाय एंड सेल का, बाय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आपको लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन मिलता है, अदर भी मिलता है, आपको दो ऑप्शन समझने हैं। लिमिट का मतलब ये होता है आपको यहाँ पर ऑर्डर बुक दिखाई देती है, रेड वाली है सेलर्स की, ग्रीन है यहाँ पर बायर्स की। सो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है प्राइस यूएसडीटी, यानी कि हर एक टॉन कॉइन का फिलहाल प्राइस क्या चल रहा है। क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिलती है मात्रा की, इस प्राइस पर इतनी मात्रा कोई भी सेलर है वो बेचना चाहता है, और इसी प्रकार से आपको बायर्स की डिटेल देखने के लिए मिलती है। सो लिमिट प्राइस का मतलब सीधा सा ये है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर बुक में क्या प्राइस चल रहा है, आप खुद अपना एक डेडिकेटेड प्राइस बताते हैं कि जब ये प्राइस आ जाए तो मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो मान लीजिए मैं यहाँ $4 लिख देता हूँ कि $4 पर अगर प्राइस आए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद में क्वांटिटी में आपको बताना होता है कि आप कितने टॉन कॉइन खरीदना चाहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि डाल देता हूँ मुझे 3 टॉन कॉइन खरीदने हैं, अब इसने मुझे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताया कि लगभग मुझे $12 चाहिए होंगे इतने टॉन कॉइन को बाय करने के लिए इस रेट पर। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि चलो सब कुछ ठीक है, बाय के ऊपर क्लिक करूंगा एंड कंफर्म करूंगा ऑर्डर, तो फिर मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा एंड यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो प्राइस है मैंने जो डाला था वो आया नहीं है, जब तक प्राइस आएगा नहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप इरिटेट हो चुके हैं और आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, सो जस्ट यहाँ कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा एंड आपका जो यूएसडीटी है वो एड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है मार्केट ऑप्शन, यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता क्या मार्केट में रेट चल रहे हैं, आपको तो सिर्फ खरीदना है। सो आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है, या तो टोटल आप यूएसडीटी में बता सकते हैं कि कितने यूएसडीटी का खरीदना चाहते हैं, बट मिनिमम कंडीशन देख ले कि मिनिमम कितने यूएसडीटी का आपको खरीदना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं मैं टॉन में बताऊं तो टॉन कॉइन के रूप में भी आप बता सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके भी बता सकते हैं, तो आप डायरेक्टली टोटल आपके वॉलेट में जितना फंड रखा हुआ है ना उसका भी बाई कर सकते हैं 100%। हो सकता है 0.001% के अराउंड यूएसडीटी बच जाए क्योंकि प्राइस का भी थोड़ा फर्क रहता है। मान लीजिए मैं बाई करना चाहता हूँ, बाई टॉन के ऊपर क्लिक करूंगा देन कंफर्म करूंगा एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में यहाँ पर जो टॉन कॉइन है सिंपली वो एड हो चुका है। सो बहुत ही सिंपल है टॉन कॉइन को बाई करना बिटकॉइन एक्सचेंज के माध्यम से, लिमिट ऑर्डर के माध्यम से एंड मार्केट ऑर्डर के माध्यम से। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।